मंत्रालय में हुए भूपेश कैबिनेट ने चिटफंड कंपनियों के एजेंटों पर दर्ज मामले वापस लेने के फैसले पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही भूपेश कैबिनेट में प्रदेश में हुई धान खरीदी की रिपोर्ट पर भी विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें धान की उपयोगिता पर भी चर्चा हुई। साथ ही कैबिनेट ने जिला सहकारी बैंक का ओपेक्स में होने वाले विलय के फैसले को भी बदला है। भूपेश सरकार ने अब फैसला किया है कि अब जिला सहकारी बैंकों का विलय ओपेक्स में नहीं किया जाएगा। प्रदेश के चिटफंड मामले पर अगर एक नजर डाली जाए तो प्रदेश में 286 एजेंटों पर दर्ज है मामले। कैबिनेट इस पर भी सहमत रहा कि निवेशकों को पैसे वापस दिलाने नीति बनाई जाए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। चिटफंड कंपनियों की अनियमितता पर लगभग 424 प्रकरण दर्ज है, जिसके 11,05,513,00,000 की राशि 2,70,000 से अधिक निवेशकों ने जमा की है। छत्तीसगढ़ में 199 ज्ञात चिटफंड कंपनियां हैं। कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि राशियों की रिकवरी की पूरी समीक्षा दो पार्ट में किए हैं। इन सभी के खिलाफ मामलों की वापसी करने निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल कोड बनाकर निवेशकों को पैसा वापस लेने का कार्य किया जाएगा। अब इसकी पूरी, चूंकि जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है, तो इसकी पूरी समीक्षा की गई दो पार्ट में। पहला, हम लोगों ने उसमें उल्लेख भी किया था और अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कथन में इनके जिनके खिलाफ हमारे जो निवेशक हैं और जो अभिकर्ता हैं उनके खिलाफ जो पंजीकृत मामले हैं उसकी वापसी के लिए कार्यवाही चल रही है, तो आज के कैबिनेट में इस बात का निर्णय लिया गया कि इन सारे लोगों के खिलाफ जो मामले हैं उनकी वापसी की कार्यवाही से किया जाए। दूसरा, निवेशकों के धन वापसी के संदर्भ में अब जो भी आवश्यक नीति बनाकर इसमें किया जा सकता है, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैनाती करके उस संदर्भ में समीक्षा किया गया, आने वाले समय में आपको विधानसभा में ये निर्णय देखने को मिलेगा। धान की खरीदी और कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े फैसलों की जानकारी देते हुए चौबे ने बताया कि प्रदेश में अब तक 46,00,000 मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। इन धानों के उपार्जन हेतु केंद्र से अब तक सहमति नहीं हुई तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, उस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ओपेक्स में विलय नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में अब और नए जिले बन गए हैं। हम लोग चाहते हैं बैंकों का दायरा और बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से बेनिफिट हो। हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में नारा लगाया हुआ है, नरवा गरवा घुरवा बारी, अब हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो बैंक है और नाबार्ड से उनको सपोर्ट होता है इस क्षेत्र के लिए, तो निश्चित रूप से वो अपना काम करें। अपेक्स जो एक मिडिल मैन का काम करती है केवल उतने तक, अब उसके कंट्रोल और उसमें सम्मिलित करने से मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। भूपेश कैबिनेट में भू अधिग्रहण के तहत टाटा की जमीन सरकार ने किसानों को वापस लौटाने की प्रक्रिया पर भी कैबिनेट पर विचार किया गया। साथ ही प्रदेश के बजट पर भी चर्चाएं हुई है। देश टीवी के लिए कैमरामैन रिश्नीताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।